दिल्ली लाइट बंद करना यार, सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। ध्रुव तो सो कैसे सकता है, नीचे सब टेंशन में है और तू है कि चारा तान के सो रहा है। जब सब टेंशन ले रहे हैं तो मेरी टेंशन लेने या ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तेरे और दक्ष भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों पापा की जबान को खाली नहीं जाने देंगे। अब तू भी सो जा, टेंशन मत ले और मुझे सोने दे। समझा कर यार, मुझे सपने में किसी से मिलने जाना है, डिस्टर्ब ना कर। ओहो, सपने में किसी से मिलने जाना है? किससे? मानसी से, जिसकी बच्ची ने तुझे अंकल कहा था? नहीं यार, वो बच्ची वाली नहीं, सिग्नल वाली। अभी सिग्नल वाली कौन है? आज जब तिलक से वापस घर आ रहे थे ना, तो रेड सिग्नल हुआ, गाड़ी रुकी, पास में एक स्कूटी भी रुकी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने फिर से मुझे देखा, मैंने फिर से उसमें देखा। क्या पटाखा थी यार, उसने मुझे स्माइल दी, मैंने उसे स्माइल दी, उसने फिर से मुझे स्माइल दी, मैंने फिर से उसे स्माइल दी, और फिर तुम दोनों को दांत मंजन भेजने का एड मिल गया। उस चमकती स्माइल के लिए यूज करे घोड़ा छाप लाल दंत मंजन। टिन टिन टिन। बकवास मत कर, पूरी बात तो सुन। अच्छा बता, स्माइल के बाद क्या हुआ? स्माइल के बाद ग्रीन सिग्नल हुआ और वो चली गई। चली गई मतलब कहानी फिनिश? नहीं मैडम, कहानी तो अभी शुरू होगी, क्योंकि जाते जाते वो अपना नंबर छोड़ गई है। क्या बात कर रहा है, मोबाइल नंबर? नहीं, स्कूटी का नंबर, DLA 2528। तू सो जा और सपने देख। ओए, कल सुबह सपना सच होगा, तू देख लियो। भैया, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। एंड बिलीव मी, अगर मेरी बॉस मेरा प्लान आज पास कर देती तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास उतने पैसे हैं ही नहीं जितने चाहिए। सब कुछ जोड़ जाड़ कर भी 60,000 रुपए कम पड़ रहे। हाँ, लेकिन हम इस तरह से बैठे भी तो नहीं रह सकते, कोई ना कोई सलूशन तो निकालना होगा। अब तो एक ही सलूशन है भैया, कॉस्ट कटिंग। डायमंड रिंग की जगह गोल्ड रिंग, हल्दीराम की जगह अग्रवाल की स्वीट्स, ब्रांडेड कपड़ों की जगह नॉर्मल सादे कपड़े, तो हम काफी पैसे बचा सकते हैं। क्या सोच रहे भैया? सोच रहा हूँ कि पापा ने अकेले सारी जिंदगी हम सबकी इच्छाएं पूरी की, और हम सब मिलकर भी उनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं दक्ष, हम कुछ भी करेंगे लेकिन कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे। ऑफिस से लोन ले लेंगे, लेकिन सब कुछ वही होगा जैसे पापा चाहते। भैया मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, प्रैक्टिकल होने का है। अच्छा आप ही सोचो, मेरा अभी नया नया जॉब लगा है, मुझे लोन नहीं मिलेगा और शायद मुझे एडवांस भी ना मिले। अगर आप भी लोन लेते हो और आपका लोन वक्त पे पास नहीं हुआ तो तैयारियों का जो वक्त है वो भी निकल जाए और बेइज्जती होगी। सो अलग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे लोन मिल जाएगा और जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए माना लोन मिल जाएगा, इस सगाई के लिए इतना लोन लेंगे हम? शादी में क्या करेंगे, उसका खर्चा भी तो हमें उठाना है ना। देखिए एक बात मानिए मेरी, आप पापा से हाथ जोड़कर कह दीजिए कि हमसे इतने पैसों का इंतजाम हो रहा है। लगता है मेरी बातों का असर हो ही गया जी आप पे। डिम्पी की शादी के बारे में सोच रहे हैं जी आप? मम्मी आप भी कमाल करते हो, मेघा अभी तक अपने घर गई नहीं और आपको डिम्पी की शादी की चिंता होने लगी। मम्मी जी मैं मेघा की शादी के बारे में सोच रहा हूँ, आपने काके की लिस्ट नहीं देखी ना, इसलिए आपको खर्चे का अंदाजा नहीं है। समझ में नहीं आता कि वो बेचारे बच्चे, वो तैयारी और दक्ष कैसे कर पाएंगे सब कुछ। बहुत बड़ी लिस्ट है जी।
आप अमित जी बड़े खर्चे वाली लिस्ट है जी, बहुत खर्चे हैं। बात करते करते अचानक कहाँ चल दिए जी? घबराहट हो रही है अमित जी, छज्जे पे जा रहा हूँ ठंडी हवा खाने, बस अभी आता हूँ, अभी आया। ओ बीवी के साथ दो मिनट बात क्या करनी पड़ जाए, इन पतियों को तो घबराहट ही होने लग जाती है। जल्दी आ जाना जी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। क्या बात है बेटा? पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलना बेटा। पापा वो अंकल। हाँ। आज आप मुझे अपने साथ वॉक पे लेके आ गए, किस लिए? ओए सवेरे सवेरे वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है, पता है कि नहीं? जी जी वो तो मुझे पता है, लेकिन आप तो अक्सर हमेशा वॉक पे अकेले जाते हैं, आज अचानक से मुझे साथ में लेके आ गए। बस ऐसे ही दिल किया कि तेरी भी सेहत बनवा दूं। हैं? हवा चंगी नहीं लग रही तेरे को? नहीं नहीं हवा तो बहुत चंगी है। हाँ। बस अचानक से बदली हुई लग रही है। कुछ बोला तूने? जी जी कुछ नहीं कुछ नहीं। बेटा एक मिनट, अम्मी जी ने सब्जियां मंगवाई थी, एटीएम से कुछ पैसे निकाल ले। जी अभी आए। ओके चल बेटा। जी अच्छा एक बात तो बता। जी देखा कि सगाई के लिए ऐसे वैसे की कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, और दक्ष है ना, सब हो जाएगा। रुक अंकल ये क्या है? रख ले बेटा काम आएंगे। नहीं अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। किस चीज की कितनी जरूरत है मेरे को सब पता है, कल रात तेरी बातें किन्नी ने सुननी थी। अब चुपचाप ये मैं रख लें।